है? ओ हेलो, जोरदार तालियां। एक मिनट, व्हाट इज दिस ब्रो? ये गलत बात है अर्चना जी। Okay. यहाँ शो पर गेस्ट आते हैं, कपिल कभी किसी से ऐसे बात करता है जैसे मुझसे कर रहा? हाँ? कौन गेस्ट? गेस्ट सेलिब्रिटीज। या आपने पेपर में नहीं पढ़ा? नहीं, मैं प्रोड्यूसर बन गया हूं, मेरी खुद की फिल्म आ रही है, जोरदार तालियां। और दोस्तों, आज उसी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए मैं एज अ गेस्ट खुद कपिल शर्मा शो पर आया हूं। थैंक यू कृष्णा जी। भाई, गेस्ट वो होते हैं जिनको हम बुलाते हैं। वो नहीं जो अपने आप बाहर शटर खोल के लाइट ऑन करके चार लोग बिठा गए और शुरू हो गए। ये क्या मतलब है? और तुम्हें पता है, एक एक्टर जब प्रोड्यूसर बनता है तो क्या होता है? क्या होता है? सीख मुझसे कुछ। आप ही से तो सीखा है मैंने भाई, इसलिए फिल्म में 3 करोड़ लगाए, 35 करोड़ नहीं लगाए मैंने। अरे फिल्म का नाम तो बताओ क्या है? मेरी फिल्म का नाम? यस, मरने भी दो यारो, मरने भी दो यारो, मरने भी दो यारो, मरने भी दो यारो। तो रोका किसने? जाओ मर जाओ। अरे नहीं कप्पू, ये मेरी फिल्म की प्रमोशन कर रहा है। मेरी फिल्म का टाइटल है अर्चना जी, मरने भी दो यारो। थैंक यू। पीछे जाके लोगों को तेल लगाओ। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं इधर। सचमुच में मरना चाहता हूं मैं। ओ, क्यों? क्यों? इधर नए नए लोग आकर फिल्में बनाने लगे हैं, मैं अंदर आलू को भी बना रहा हूं। कपूर शर्मा यार, मेरी बात सुनो। हाँ, तुम प्रोड्यूसर बन जाओ। हाँ, हीरो मुझे ले लो, इसका मुंह बंद कर दो। और उसमें मैं तुम्हारी एक हेल्प भी कर सकता हूँ। क्या? मार्केट में जो मेरा रेट चल रहा है ना, हाँ, उससे 2 करोड़ तुम मुझे कम दे देना। तो मार्केट रेट से 2 करोड़ कम? हाँ। तो मतलब 1,99,00,000। हाँ। 70,000 तू मुझे देगा, 30,000 तेरा रेट है। हाँ। यार ये मैं हिसाब किताब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। इसलिए तुम मेरे बीए से बात करो। बीए नहीं, सीए होता है। तो सीए थोड़ा महंगा पड़ रहा था इसलिए मैंने बीए रखा है। कप्पू, एवरी टाइम मैं मानता हूँ यार। हाँ। मतलब ऐसा दोस्त होने के बावजूद, हाँ, इस शो की 4.1 की टीआरपी आ रही है। कमाल है। कमाल है। 4.1 की टीआरपी इसलिए आई थी क्योंकि चंदू ने नेशनल टीवी पर पहली बार शर्ट उतारी थी। जोरदार तालियां चंदू के लिए। वो शर्ट उतारने की वजह से टीआरपी आई थी 4.1। एक काम करते कप्पू, इस एपिसोड में 10 की टीआरपी लाते हैं। आजा, इसका पजामा फाड़ते हैं। आ जाना, आना कप्पू। मेरी बात सुनो, ये देखो कल का कृष्णा है, इतनी सी मेहनत करके देखो आज फिल्म प्रोड्यूसर बन गया है। अरे मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ना तो मैं अमृतसर से आया हूँ और ना मेरा दोस्त 4.1 की टीआरपी का शो चला रहा है, समझा? कभी कभी दोस्तों के पीछे लगना पड़ता है क्योंकि हर किसी का मामा गोविंदा नहीं होता। चंदू, वैसे एक बात है। हाँ जी। तेरा मामा भी तो स्टार था। वो तो है सर्कस में। इसका मामा बड़ा टैलेंटेड था, पता है? मैं मुंह में पेट्रोल डालकर ऐसे आग जलाता था। एक बार गलती से पेट्रोल पी गया, फिर क्या, प्रोफेशनल आदमी था। हाँ, पर आग तो निकाली उसने, रास्ता कोई और था, वो अलग बात है। पहली बार लोगों ने धरती पे चलने वाला रॉकेट देखा। और कप्पू शर्मा, हाँ, जो तुमने आग लगाई है ना, हाँ, ये तभी बुझेगी जब मैं सेलिब्रिटी बनकर यहाँ पर आऊंगा और तुम मेरी इंटरव्यू करोगे। जा रहा हूं मैं जा रहा हूं। कांग्रेचुलेशन तेरे भाई के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कृष्णा। थैंक यू भाई, थैंक यू। इधर आपका एग्जिट है। अरे एग्जिट वेग्जिट नहीं, अपन हाय इंटरव्यू नहीं करेंगे।
इंटरव्यू देना है? हाँ जी भाई. मेरे को नहीं लेना ना. अच्छा कृष्णा फिल्म का प्रोड्यूसर, इस बात के लिए जोरदार तालियां. डायरेक्टर कौन है फिल्म का? आपको क्या लगता है मैं प्रोड्यूसर हूंगा तो डायरेक्टर किसको लूंगा? मैं समझ गया, ये आदमी बड़ा चलाक है. इसने कहा मेरी बीवी मेरे को बड़ा परेशान करती है, मैं जेब से पैसे खर्च करके उसको बिजी कर देता हूँ. बीवी निकली इससे भी चलाक, उसने इसको भी कास्ट कर लिया ताकि ये सामने रहे. तो साथियों चलिए इनवाइट करते हैं फिल्म मरने भी दो यारों की राइटर डायरेक्टर कश्मीरा शाह और फिल्म के लीड एक्टर न्यू कमर मिस्टर ऋषभ चौहान. तुम्हें तो रोज मिलती हूँ घर पे. आइए कश्मीरा, ऋषभ आपका बहुत बहुत स्वागत है. कृष्णा तो भी देख ले की जगह है तो बैठ जा, आ जा. वैसे कश्मीरा आप तो आस्क यू कि तुम तो एक्ट्रेस हो, तो तुमने कैसे सोचा कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं? वेल आपने तो इसको सपना बना दिया था तो अब एक घर में दो दो हीरोइन नहीं रह सकती ना. वेरी नाइस, व्हाट अ पंच. अर्चना जी 10 साल हो गए अभी हमारी शादी को. तो शुरू से कहती थी चल उधर जा, नीचे बैठ, चल उधर जाके खड़ा हो जा, चल शूटिंग पे जा, चल उस तरफ जा. तो पहले से इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी. तो एक चीज तो क्लियर है कि घर पे कृष्णा के ऊपर कश्मीरा की डायरेक्शन चलती है. तो ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपने फिल्म में भी इनको ले लिया? आइए बैठ के बात करते हैं. एक्चुअली ये हुआ कि हम अच्छी स्वीट फिल्म बनाने जा रहे थे जी. और पहले तो सिर्फ ऋषभ था फिल्म में और मैं घर में ना, क्योंकि एक्टिंग और राइटिंग का शौक भी है, तो मैं रोल सोच के आती थी घर में कि मैं ऐसा एक बहुत अच्छा रोल आया कृष्णा. अच्छा. मैं सोच रही हूँ कि इस एक्टर को कास्ट करूँ. अच्छा. तो ये बोलता था छोड़ ना मैं ही कर लेता हूँ. अच्छा. तो ऐसे करते करते इसने खुद 7 रोल्स किए. ग्रेट, वाओ. नहीं नहीं तालियां आपने बजाओ. क्यों? ये क्रिएटिविटी और टैलेंट दिखाने के लिए नहीं अर्चना जी, पैसे बचाने के लिए. हमने सुना है कि जब कृष्णा ने आपको ये फिल्म ऑफर की जी सर, तो उन्होंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, या तो पैसे ले लो या प्रमोशन पे आप कपिल शर्मा शो पे 4 साल. कैसा लग रहा है आपको? सर पिछले तो आती जाती रहती है जी, तो मैंने कपिल शर्मा शो नंबर 1 है रहेगा तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है सर. थैंक यू सो मच. वाह कृष्णा देख लो मैं सामने बोल रहा हूँ, फिल्में तो आती जाती रहती है. मैंने कहा था कपिल की तारीफ करना, मेरी बेइज्जती मत करना यहाँ पर. बट आई लाइक योर कॉन्फिडेंस ऋषभ, वेरी गुड. डरने का नहीं प्रोड्यूसर से. तू तो वाह वाह क्या कर रही है उसको. बेइज्जती कर रहा है, बोलता आती जाती रहेगी बोल रहा है. डोंट माइंड, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इन दोनों को ना फिल्म से ज्यादा शो पे आने की खुशी है. कृष्णा ये सच है कि ऋषभ आपका कजन है? जी भाई. मुझ पे पंजाब नेटपोटिज्म का आरोप लगाने वाला इंसान, बीवी राइटर डायरेक्टर खुद प्रोड्यूसर हीरो भाई, मैं तो फिर भी पंजाब पूरा लेके आता हूँ, ये तो घर से बाहर ही नहीं निकला. सही बोला कश्मीरा जी. कृष्णा आपका हस्बैंड भी है, आपका प्रोड्यूसर भी है, दोनों में क्या अच्छा है? प्रोड्यूसर ज्यादा अच्छा है कि पति ज्यादा अच्छा है? कोई दूसरा क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ये पति बहुत अच्छा है. अच्छा. और उससे थोड़ा कम अच्छा प्रोड्यूसर है. ओहो. लेकिन पति बहुत अच्छा है. मैं अगर अगर पति अच्छा नहीं होता राइट, तो ये कभी मुझे डायरेक्ट करने देता नहीं, कभी यू नो ये प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ही रियली बिलीव्स इन मी. तो मुझे लव यू भाई, क्या बात है. और मुझे झगड़े होते थे प्रोडक्शन के टाइम पर? हाँ, मींस मैं झगड़ों में बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ. लेकिन सबसे बड़ा बड़ी बात, सबसे बड़ा. ऋषभ आपने इतने दिनों तक काम किया साथ में, इस साफ साफ बताना कृष्णा कितना डरता है कश्मीरा से? सर मैं सच बोलूंगा तो फिर वो मुझे बोलेंगे कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है. हम समझ गए. कृष्णा हो गया इंटरव्यू. ये भाई लेकिन वो भी तो करो ना यार, आप पूछते हो ना अफवाहें. हाँ. बड़े बड़े लोगों से कि आपके बारे में अफवाहें. वो फिल्म स्टार का होता, तुम्हारा तो झूठ है. अरे नहीं भाई पूछो ना, मैं अपना खुद का लिख के भी लाया था अफवाहें.
पूछो ना भाई मेरे से। भाई प्रोड्यूसर बन के बैठूं। हाँ भाई। हाँ। भाई प्रोड्यूसर बनना, डिप्टी कमिश्नर नहीं लगेगा। हाँ। तो ये कुछ अफवाहें हैं। कृष्णा, फर्स्ट अफवाह जो है वो ये है कि आपको लेडीज कपड़े पहनने की इतनी आदत हो गई है कि रात को कश्मीरा की मैक्सी पहन के सोते हो। ये बकवास बात है, रात को पहन के सोते हैं, मैं तो दिन को भी पहनता हूं। कश्मीरा, ऐसा सुना है कि जब आपने पहली बार कृष्णा को अपना नाम बताया कश्मीरा, तो ये आपसे मिलने कश्मीर चले गए क्योंकि इनको लगा कि आपने कहा है कि कश्मीर आ। इज इट ट्रू? जो आदमी रिक्शा पकड़ के अंधेरी से बांद्रा नहीं जाता, पैसे खर्च होंगे वो कश्मीर चला जाएगा। वाओ, ये प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है भाई? एक सेकंड। हेलो, यस, ओके। बाहर फोन आ रहा है सिक्योरिटी वालों का। क्या भाई? बोलता है वो 12 रशियन लड़कियां बाहर लड़ रही हैं, उनका पेमेंट नहीं किया आपने फिल्म का। वन सेकंड। फिल्म में तो सिर्फ 8 थे, 12 कैसे हुए? नहीं नहीं, 12 नहीं भाई, 8 होंगे। वो रशियन है ना, उनको गिनती नहीं आती आपस में। 8 थे, मैंने गिने थे, मैंने खुद पेमेंट किया था। ये 4 एक्स्ट्रा कहां से आए? मैं चेक करना पड़ेगा भाई मेरे को। आप तो देख के लो ना, तो चेक करके मामला बढ़ रहा है। पतली गली पकड़ के निकल रहे हैं। मैं चेक कर रहा हूं।